समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 6 ऑफ 7th क्लास सहायक वाचन। ध्यान, वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 6 ध्यान को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान होता क्या है, ध्यान के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, विद्यालयों में ध्यान का प्रयोग यदि समुचित रीति एवं प्रभावी ढंग से किया जाए तो निश्चित रूप से इसके परिणाम न सिर्फ विद्यार्थियों के स्वयं के विकास में सहायक होंगे अपितु उनके माध्यम से विद्यालयी अनुशासनोत्तम शैक्षिक परिणाम, आध्यात्मिक शिक्षा, एकाग्रता एवं मानसिक स्थिरता प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार शांत जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, ठीक है, जिस प्रकार शांत जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, उसी प्रकार यदि शांत मन और स्थिर चित्त हो तो ज्ञान रूपी प्रकाश सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम ध्यान का आरंभ विचार के रहस्य और मनोविज्ञान को पूरी तरह समझकर करें, ठीक है, यदि हम ध्यान का स्टार्ट विचार के रहस्य और मनोविज्ञान को पूरी तरह समझकर करें और विचार को की तरंगों के प्रति सावधान हो जाए, ठीक है, और विचार के प्रति सावधान हो जाए तो मन के मरुस्थल में शीघ्र ही इसके रूप को धारा फूट पड़ेगी, क्योंकि ध्यान ही मानव को अंतर्मुखी, ठीक है, क्योंकि ध्यान ही मानव को अंतर्मुखी धीर एवं जागरूक बनाता है। ठीक है, ध्यान ही वह माध्यम है जो विचार की शक्ति को अग्रि की लपट बनाकर लक्ष्य साधक बनाता है। ठीक है, ध्यान क्या करता है, जो विचार की शक्ति होती है उसको अग्रि की लपट कर बनाकर लक्ष्य साधक बनाता है। ध्यान ही विचार का संशोधन करके चेतना शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाता है। ध्यान ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मानव की चेतना विकासोन्मुख होकर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों को भेदन करती है। ठीक है, उसमें जो स्थित चक्र होते हैं उसे भेदन करती हुई मूलधारा स्वाधिष्ठान नाभि मणिपुर विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्र चक्र में जाकर समष्टिगत अनुभूति करती है। ठीक है, ध्यान ही वह दंड है, ध्यान ही वह दंड है जो मानव को आत्म केंद्रित में स्थित करके सहज और संतुलित करता है। ध्यान से ही वह द्वार है जिसमें प्रवेश करके परम आनंद, ठीक है, ध्यान ही वह द्वार है जिसमें प्रवेश कर परम आनंद शांति एवं प्रेम की उपलब्धि होती है। ठीक है, ध्यान के कारण हमें शांति एवं प्रेम की उपलब्धि हासिल होती है। ठीक है, ध्यान ही वह जागरण है जो मानव की सृष्टि स्वप्न को तोड़कर उसे यथार्थ में लाता है। ठीक है, ध्यान ही वह जागरण है जो मानव की सृष्टि स्वप्न को तोड़कर उसे यथार्थ में लाता है। ध्यान ही वह नाव है जो संसार सागर से पार करके सृष्टा को मलाती है। ध्यान ही मानव जीवन का लक्ष्य, ठीक है, ध्यान ही मानव जीवन का लक्ष्य एवं उपलब्धि का चरम शिखर है। ठीक है, ध्यान ही मानव जीवन का लक्ष्य एवं उपलब्धि का चरम शिखर है, क्योंकि ध्यान को माध्यम बनाकर ही मानव अपने ब्रह्म स्वरूप स्वभाव आत्मा के ध्यान में जागकर ध्यान से ही हो जाता है। किंतु ध्यान होने तक ध्यान विधि का आधार अनिवार्य है, किंतु ध्यान को होने तक
जो ध्यान विधि होती है उसका आधार अनिवार्य है। ध्यान हट जाने से मानव अपने सृष्टा पिता से अलग हो जाता है, ठीक है। पुनः ध्यान वहां स्थिर हो जाने से उसके साथ मिल जाता है। ध्यान ही वह स्नान है जो प्रतिदिन करने से मानव अस्तित्व के चारों कोषों अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय को शुद्ध करके उसे पंचम शुद्धम आनंद कोष में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। ध्यान कठिन असाध्य या संघर्ष पूर्व करने की विधि नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य चित्त के वृत्तियों को निरोध है अथवा विचारों से मुक्त होना है, ठीक है। ध्यान का उद्देश्य है कि विचारों से मुक्त होना है, क्योंकि चित्त वृत्तियों के कारण ही हम योग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम योग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं अर्थात आत्मा से हम जुड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हमारा ध्यान भटक जाएगा तो हम आत्मा से भी जुड़ नहीं पाते हैं। अतः अपने प्रति पूर्ण स्वरूप से जागृत होकर शरीर मन एवं विचार के प्रति पूर्ण रूप से जागते हुए संसार में गतिशील रहना ही ध्यान है, ठीक है। हमें जागते हुए ही संसार में गतिशील रहने ही ध्यान है, ठीक है। ध्यान की विधि, अब हम ध्यान की विधि जान लेते हैं। एकांत कक्ष में शांत होकर बैठ जाए, ठीक है। एकांत कक्ष में हमें शांत होकर बैठ जाए। कमरा साफ सुथरा एवं पुष्प आदि से सुगंधित होना चाहिए, ठीक है। कमरा कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा एवं पुष्प आदि से सुगंधित होना चाहिए, ठीक है। कमरे से अच्छी खुशबू आना चाहिए, हो तो अच्छा है। शरीर को सीधा रखे, हमें शरीर को एकदम सीधा रखे और धीरे धीरे तनाव से मुक्त हो, ठीक है। धीरे धीरे तनाव से मुक्त हो, कहीं भी तनाव न हो। अब मन को तनाव मुक्त करे, ठीक है। अब इसी प्रकार मन को तनाव मुक्त करे, इस समय समस्त जग से नाता तोड़ ले, ठीक है। हमें इस समय क्या करना चाहिए? समस्त जग से नाता तोड़ लेना चाहिए। संसार को भूल जाए, ठीक है। संसार को भूल जाए। जिस संसार ने आपको तनाव युक्त कर दिया है, उसे कुछ देर भूलने से कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जिस संसार ने आपको तनाव युक्त कर दिया है उसे कुछ देर भूलने से कोई नुकसान नहीं होगा हमें, ठीक है। यह करना अनिवार्य है, यह हमें करना ही चाहिए। शरीर और मन के शिथिल होने के बाद आप धीरे धीरे और भीतर प्रवेश करें, अपने श्वास पर ध्यान दें, ठीक है। हमें अपने श्वास पर ध्यान देते रहना चाहिए। श्वास के साथ ऊपर और नीचे जाएं, ठीक है। हमें श्वास के साथ ऊपर और नीचे जाइए। आपको लगना चाहिए कि केवल श्वास और आप ही रह गए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम और सिर्फ श्वास ही रह गए हैं, ठीक है। अब आप ऊपर नीचे आते जाते श्वास के साथ मन ही मन ओम का उच्चारण करें, ठीक है। हमें अब मन ही मन में ओम का उच्चारण करना, उच्चारण जोड़ दे। भीतर बाहर पूरा कमरा और आप मानो ओम मय हो ऐसा अनुभव करें, ठीक है। मानो ओम मय हो गए हो ऐसा अनुभव करें। कुछ देर ओम के उच्चारण के साथ श्वास प्रेक्षा करें, अर्थात ओम उच्चारण के साथ श्वास को भी देखिए, ठीक है। हमें ओम के उच्चारण के साथ श्वास को भी देखे। अब जो जिसका है अपने विचार द्वारा उसे ही समर्पित करे। आपके भीतर है आत्मा और बाहर है शरीर, ठीक है। आपके भीतर आत्मा हो और बाहर शरीर। शरीर पांच विराट तत्वों से बना है, ठीक है। शरीर पांच विराट तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी को, जल तत्व जल को, अग्नि तत्व अग्नि को, वायु तत्व वायु को और आकाश तत्व आकाश को समर्पित कर दे। शेष बचा आत्मा जो परमात्मा का अंश है, ठीक है। शेष बचा आत्मा जो परमात्मा का अंश है, अतः आत्मा को परमात्मा में विलीन करके आप विचार करें, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? आत्मा को परमात्मा में विलीन करके अब विचार करें कि आपका अति स्वत्व क्या था,
इसमें कहाँ थे, केवल अहंकार रूप में था, केवल अहंकार रूप में था। आप जो झूठ है बस इस समर्पण भाव में खो जाइए, अब बस इस समर्पण भाव में खो जाए। अब कल्पना करें कि कमरे में चारों ओर युक्त प्रकाशमयी चेतनामयी संजीवनी शक्ति व्याप्त है। आपके भीतर और बाहर उस ईश्वरमयी शक्ति का सागर बह रहा है। सच मानो तो जो आप साहित्य कल्पना कर रहे हैं वही सत्य है। आप जो साहित्यिक कल्पना कर रहे हैं वही सत्य है। अतः इस क्षणों में आप अपने विचार द्वारा उस शक्ति से जुड़े रहें, ठीक है, इसी विचार द्वारा उस शक्ति से जुड़े रहे। शक्ति पहले भी वही थी पर उसके विचार कहीं और थे, ठीक है। शक्ति तो पहले भी वही थी पर उसके विचार कहीं और थे। विचार एक तार के समान है, ठीक है, जो विचार होता है अपना थ्रोट होता है वह एक तार के समान है। आप जिससे जुड़ना चाहेंगे उसके द्वारा जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप जिससे जुड़ना चाहें इसके द्वारा जुड़ सकते हैं। अब आप कल्पना करें कि आप शक्ति के सरोवर में स्नान कर रहे हैं। अब कल्पना करें कि आप शक्ति के सरोवर में स्नान कर रहे हैं, डुबकियों लगा रहे हैं और शक्तियों की दिव्य लहरें भीतर आपके शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, और शक्ति की दिव्य लहरें भीतर आपकी शक्ति प्रदान कर रही हैं। आप स्वस्थ और आनंदमय हो रहे हैं, ठीक है, आप स्वस्थ भी हैं और आनंदमय भी हो रहे हैं। जितना गहरा आपका विचार और विश्वास होगा उतनी ही प्रभावशाली होगी यह ध्यान क्रिया है, ठीक है। जितना गहरा आपका विचार और विश्वास होगा उतनी ही प्रभावशाली होगी यह ध्यान क्रिया है। चाहोगे तो पूरा उसी दिन उसी शक्ति से जुड़े रहिए, ठीक है, पूरा दिन उसी शक्ति से जुड़े रहिए, ठीक है।